सुने हो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अमल, सारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं भोजन का स्वाद कड़वा व खट्टा भोजन में विद्यमान अमल व लवण के कारण होता है। अमल व क्षारकों की पहचान करने के लिए कुछ सूचक, तो सूचक लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के नीचे नमक पौधे से मिलता है। लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। कुछ अन्य प्राकृतिक सूचक जो हाइड्रोजेनिया, पत्ता गोभी, हल्दी, जेरेनियम एवं प्लूटेनिया जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में क्षार या अम्ल की उपस्थिति को सूचित करती है, इन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। बिना चखे अमल व क्षार की पहचान, बिना चखे अमल व क्षार की पहचान। अमल अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार क्षार का स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। संश्लेषित सूचक, कुछ सूचक मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं जैसे फिनोफ्थलीन और मेथिलोरेन, ये संश्लेषित सूचक प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले अमल एसिटिक अमल CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl, सल्फ्यूरिक अमल H2SO4, नाइट्रिक अमल HNO3, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH4OH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। गंदी है ऑयल फैक्ट्री सूचक, गंदी सूचक या ऑयल फैक्ट्री सूचक, कुछ पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंदी सूचक कहते हैं। अम्लों और क्षारकों की धातुओं के साथ सबसे पहले धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं तथा लवण बनाते हैं। अम्ल प्लस धातु लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, अम्ल H2SO4 प्लस जिंक Zn यहां पर मिल रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब है क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। NaOH प्लस जिंक Zn ये बना दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। सभी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ नहीं होती। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु
धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अणुओं के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्रिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यहां पर मिल रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2 जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl। यहां पर बना दिया सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारने पर चूने का पानी गुंदिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप प्लस हाइड्रोजन गैस जल H2O। जब हम चूने के पानी में से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते पर निम्न अभिक्रिया होती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 ये बनाया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस यानी कि घुलनशील जो श्वेत अवक्षेप था वो घुल जाता है पानी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अम्ल व क्षारकों की परस्पर प्रतिक्रिया जब अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया होती है तो क्षारक द्वारा अम्ल व अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव समाप्त हो जाता है यानी कि क्षार अम्लों का प्रभाव खत्म करते हैं और अम्ल क्षारकों का प्रभाव खत्म कर देते हैं तथा जल व लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्षारक प्लस अम्ल लवण प्लस में जल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार प्लस लवण अम्ल HCl ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड लवण प्लस में H2O।